एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सबको सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ पुलिस वाले अवैध वसूली के काम में लगे हैं। पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। छतरपुर में बीजेपी नेता यातायात प्रभारी की अवैध वसूली के खिलाफ सड़क पर उतर गए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए यातायात प्रभारी नृपेंद्र सिंह पर वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और यातायात प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की। इन नेताओं का कहना है कि ट्रक ऑपरेटर्स को जबरन परेशान किया जा रहा है और उनसे मंथली वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा है, और जो ऑपरेटर पैसा नहीं देते उनके ट्रकों को जबरन पकड़कर अनावश्यक कार्रवाई की जाती है, जिससे जिले के ट्रक ऑपरेटर अपने व्यापार को नहीं चला पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यातायात प्रभारी ने एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर उससे पैसे तक छीन लिए थे, जिसकी जांच अभी जारी है। बीजेपी नेताओं ने कहा, ऐसे अधिकारियों की वजह से बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी छवि खराब हो रही है, इसलिए इन्हें तुरंत हटाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम लोगों ने श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है, जो हमारे ट्रैफिक प्रभारी हैं नृपेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा लगातार जिले भर में अवैध वसूली की जा रही है। क्योंकि ये ट्रक से व्यवसाय से जुड़े लोग व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, और व्यापारी वर्ग के द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि भैया रोजाना रोज कम से कम ट्रकों को रोका जाता है और 40-40, 50-50 रुपए लेकर फिर ट्रकों को छोड़ा जाता है। जो पैसे नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ थोड़ा सा जुर्माना बनाते हैं, कहीं धमकी देते हैं, और ऐसा ये अवैध वसूली और ये टोकन सिस्टम चलाना चाहते हैं नृपेंद्र सिंह जी। यातायात प्रभारी हैं जो छतरपुर ज़िले के, वो पर ट्रक हिसाब से पैसा, वो अपना एक टोकन, खुद का टोकन चलाना चाहते हैं छतरपुर ज़िले में। छतरपुर ज़िले में जो युवा कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायत की है, उन सभी शिकायत के जो बिंदु हैं उन सभी की जांच की जाएगी। एडिशनल एसपी साहब इसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा ये बताया गया है गाड़ियों का कारण, खासकर जो भी लोडिंग अनलोडिंग वाली होती है, वो जाती हैं, उनको परेशान करते हैं। यदि सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।